जय हिंदी जय नागरी। इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद प्रस्तुत करते हैं साहित्य शास्त्र। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ वेदार्य। बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र एक उद्देश्य साहित्य चिंतन का अध्ययन, दो साहित्यालोचन क्षमता का परिचय और तीन साहित्य सृजन के संस्कार। इस प्रश्न पत्र की अध्ययन अध्यापन पद्धति है व्याख्यान पद्धति, दो चर्चा सत्र गोष्ठी एवं स्वाध्याय, तीन अतिथि विद्वानों के व्याख्यान और चार साहित्यालोचन का अभ्यास। बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र एक। इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है। पहला शीर्षक है साहित्य का स्वरूप, जिसके अंतर्गत निम्न उपशीर्षक हैं साहित्य से तात्पर्य, दो साहित्य संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं, तीन पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं और चार हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। दूसरा शीर्षक है साहित्य के तत्व, इसके अंतर्गत भी चार उपशीर्षक आते हैं। पहला है भाव तत्व, दूसरा विचार तत्व अथवा बुद्धि तत्व, तीसरा कल्पना तत्व और चौथा शैली तत्व। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीसरा शीर्षक है साहित्य प्रयोजन, इसके अंतर्गत चार उपशीर्षक हैं। पहला प्रयोजन से तात्पर्य, दूसरा संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रदत्त साहित्य प्रयोजन, तीसरा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रदत्त साहित्य प्रयोजन और चौथा हिंदी विद्वानों द्वारा प्रदत्त साहित्य प्रयोजन। चौथा शीर्षक है साहित्य हेतु, जिसके अंतर्गत चार उपशीर्षक हैं। हेतु से तात्पर्य, दूसरा संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रदत्त साहित्य हेतु, तीसरा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रदत्त साहित्य हेतु और चौथा हिंदी विद्वानों द्वारा प्रदत्त साहित्य हेतु। पांचवा शीर्षक है शब्द शक्ति विचार, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है शक्ति से तात्पर्य और दूसरा शब्द शक्ति के प्रमुख भेद। शब्द शक्ति के प्रमुख भेदों में प्रथम है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। छठा शीर्षक इस पाठ्यक्रम का है रस विचार, इसके अंतर्गत पांच अलग अलग उपशीर्षक हैं। पहला रस का स्वरूप, दूसरा रस भारतीय दृष्टिकोण, तीसरा रस पाश्चात्य दृष्टिकोण, चौथा रस निष्पत्ति और पांचवा रस सूत्र की व्याख्याएं। इसके उपरांत इसी के अंतर्गत रस के अवयव, यह भी एक उपशीर्षक है, जिसमें उप उपशीर्षक हैं पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। रस के प्रकार, रस के प्रकारों के अंतर्गत 10 रस के प्रकार आते हैं, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, बिभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस एवं 11वां वात्सल्य रस। संदर्भ ग्रंथ जो इस
प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में उपयुक्त हैं वे हैं साहित्य शास्त्र तथा आलोचना, डॉक्टर माधव सोनटक के लिखित, विकास प्रकाशन, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दूसरी पुस्तक है साहित्य शास्त्र, लेखक हैं डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने, आलोक प्रकाशन, औरंगाबाद। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर देखा जाए तो जो प्रश्न पत्र आता है वह उस प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन आपके सम्मुख प्रस्तुत है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 50 अंकों के लिए है, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें पहला प्रश्न लघुत्तरी है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न विकल्प समेत 10 अंकों के लिए। दूसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न विकल्प समेत 15 अंक। तीसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न विकल्प समेत 15 अंकों के लिए, तथा चौथा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टिप्पणियाँ 4 में से 2 लिखनी है, 10 अंक अर्थात 5-5 अंक के लिए एक एक। इस प्रकार से यह पाठ्यक्रम है। कोरोना महामारी के कारण सभी परीक्षाएं हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ एवं आभासी ऑनलाइन पद्धति से हो रही हैं, तो ध्यान रहे कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर 25 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के लिए होगा। इस प्रकार से 50 अंकों का पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है सभी के लिए। ये BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र के प्रश्न पत्र क्रमांक 11 अर्थात साहित्य शास्त्र 1। इसका यह वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार से शैक्षिक खास करके हिंदी विषय की जानकारियाँ अलग अलग पाना चाहते हैं तो कृपया करके आप हमारा जय हिंदी जय नागरी यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसे पसंद कीजिए, उसे साझा कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको अलग से अन्य नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सूचनाएं हमेशा प्राप्त होती रहें। सभी का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। फिर से एक बार धन्यवाद।